अस्सलाम वालेकुम भरा जी, क्या हाल चाल ने? सब भरा वधिया ने। अच्छा भरा जी, अज साडा चौथा व्लॉग है ते मैं लैन जा रहा हूं मछली। सर्दी आ गई, मैं चलो मछली टेस्ट की जाए। तो मछलियां का काफ़ी रेट है ना, मैं जा रहा हूं चुंगी दे ते पता करके दसने की रेट चल रहे ने, कि नसल दे की रेट ने। अलग ना काला रहो तो दूसरी इन मछलियां देगे ने, अलग अलग किस्म होंगे ने, अलग अलग फिर रेट होंगे ने। भरा जी मछली आप मिल गई, आप 2 किलो मछली ले ली। तो हम आप जा रहे हैं घर, तो घर जाके इस मछली आप लगाने मसाला। घर लैके आके आप वेने साढ़े दो भरा घर समान मछली ले आया हूँ। ये देख मछली ले की है किनू की है बिल्ली मारी पांजी किथे अजा मारी है वे सट लगी है थले ये कैसे पंजा मार गई है ये देखे पूरा पर के ऊपर ही बिल्ली पंजा मार गई है। देखो जख्मी कर गई है ये देखो सारा काम इसका मतलब। जा पार्टीन पकड़ के ला जल्दी जा, जा पार्टीन पकड़ ला। ताकि एंटीसेप्टिक जेड़े जरासीम ने ना जरासीम का शदवी आग ने ते जरासीम की रोकथाम करेगी जल्दी इन जख्म नु भरन च मदद करेगी। तुहानू पता सर्दी सर्दियां दी सट जल्दी नहीं भागदी। बिल्ली ने आके सारा काम खराब करता। मैं जाने की देखया तुसी किथे गए सारे? मैं नाल सट लग लगी फ्रिज रख देना ताकि फ्रीज हो जाए। समान क्या कर रहे हो? चलो उनको जल्दी से कनेक्ट डाल। मैं ना रोटियों को भिगो के रख देता हूँ ताकि उनको हम शाम को डाल दें। फ्रिज तुम पता पाकिस्तानी किस तरह फ्रिजा होंगे की समान रखा होंगे इन्होंने। तो आप जल्दी जल्दी किचन से जाने तो रोटियां भेज दें ताकि शाम को सही तरीके ना खा सकन। लो करन तो पहले काम सारा वड़ गया, जो प्रोग्राम तो वड़ गया। इसी के अंदर हम रोटियों के पीस छोटे करके रख दे, छोटे छोटे पीस कर दिए रोटी दे, शाम को डालेंगे गर्म करके। जो गैस है ना, गैस तो थोड़ा गर्म कर लेंगे, ठंड बहुत ज्यादा है। गर्म पानी भी मिल जाएगा, गर्म गजा भी मिल जाएगी। यह हीट प्रोड्यूस कर दी चूजा दे खुआन रख दो कवर करके। इसको 2 किलो मच्छी ले आए हैं तो हम इन्हें मसाला लाने लगे। मसाला लाने तो पहले असं धोवे तो दूसरा बर्तन असं फड़िया तो फिलहाल तो टैप चलाता पानी तो अच्छे तरीके वॉश कर लाँगे। खून वगैरह सारा उतर जाए देखने दिल खराब हो रहा होना क्योंकि कोई किस हालत बैठा होना, कोई खाना खा रहा होना, कोई चाय पी रहा होना जो सा वीडियो जितों इतों वॉच कर रहे हैं। अच्छा कमेंट से दसना कि जगह वीडियो वॉच कर रहे हो। तो ये हम मछली में नींबूस डालेंगे, तो नींबूस की कटिंग कर रहे हैं हम। इसके बाद इसका रस निकालेंगे और मछली को लगाएंगे ताकि टेस्ट बेटर हो सके। उसके अलावा ये लहसुन भी हमने छील के रखा हुआ है, यानी कि मीन्स कि इसको कूट के डालेंगे। और ये हम इसका रस वगैरह भी निकाल रहे हैं ताकि फिश को हम लगा सके। और साथ में हमने सिरका रखा हुआ है, ये सिरका भी हम डालेंगे फिश के अंदर ही। तो 1 चम्मच अजवाइन डाल दी है क्योंकि हम उसका मसाला बनाने लगे हैं मछली को लगाने वाला। पहले हम छील और कूट के रख रहे थे तो उन्हें नाल ही भरा जी असी ए नाल सुखा धनिया पाता जी 1 चम्मच प्लस जीरा, क्योंकि जीरे नाल ते सुखा धनिया नाल तुहानू पता टेस्ट और क्रिस्पी हो जाता होंगे। तो ऐसी डाल के तो उत्तों आप लसन डालेंगे क्योंकि लसन आप मैश करना है ना, सबूता नहीं डालना क्योंकि हमें गले जना फस जाए। उन तो पहले लून भी पाता है ताकि सारा टेस्ट बराबर हो सके। ये हमने इसको इसलिए वॉश करके पहले ही रखा हुआ था पानी के साथ, इसलिए नहीं धोया था क्योंकि ये सारा मसाला ने गीले पानी के साथ जुड़ जाना था। इसीलिए जुड़ने से पहले हमने सोचा चलो इसको सुके में कूट लिया जाए। सुके ते मिल माइया वाला सीन है ऐसी, तो हुण असीं इहनूं कुट रहे हैं। तो जो कुट लाँगे तो फिर तुहानूं चैक करावांगे कि सारा बराबर हो। उदां तां सारा कुट लिया है, तो यह वेखो भराओ तो वीरो सज्जनों दे मित्रो यह सारा बराबर हो गया। तो हुण असीं इह लसन फड़ के कूटांगे क्योंकि लसन तां नाल रख के नहीं सी कूटिया क्योंकि इहदा पानी निकल के तो सारा मसाला जोड़ के तो डलियां बन जाणा, इस ते फिर चंगे तरीके नाल लगना नहीं सी। तो हुण आपां इहनूं वी कूटांगे तो सो इन कोट लवो तो यह मसाला देखो सारा बराबर हो गया। ये हमने फिश धो के रखी हुई है तब से, ये प्लेट में ना छेद है तो उस वजह से ना पानी नीचे
गिर रहा है जिसकी वजह से ये ड्राई हो रही है, पानी रुक नहीं रहा। इधर कर लाइट, ये इधर कर लो लाइट, इधर देख लो यार सही बिल्कुल हो गया, मैश हो गया होया, समान पिया मसाला सारे चंगे तरीके मिक्स करा। लाल मिर्चा भी पाती ताकि काम पूरा हो जाए, हल्दी असि रंग देने वास्ते पाती, अपना जो निकल जोड़े से खट्टा पानी लेमन का वॉटर डालेंगे, वो आखिर पे बी बी रह गए, जो बी रह गए ना इन्होंने बाहर छोड़ देना ताकि टेस्ट खराब ना कर दे, मूह गौड़ा हो जाता इन्होंने खाने का। देखो साडा मसाला तैयार हो गया, अभी नहीं तैयार हुआ, तो अभी तैयार होने से पहले इसमें ना हम बेसन भी डाल देंगे ताकि वो थोड़ा सा ना ठीक ठीक बन जाए, तो अच्छी तरह से लग जाए। तो ये मिक्स हो रहा है, मिक्सिंग देख सकते हैं आप किस तरह की मिक्सिंग है, आटे तरह मिक्स कर हाथ से, हाथ ना तो चमची फड़ी हुई इंतजार थोड़ी ठंड लग रही होनी, धो के टुकड़े रख दिते इधर सारा मैश हो गया, थिक भी हो गया, इधर भैन जी जल्दी मिक्स करो लो दोबारा डालेंगे। ये लाइट भी आ गई है, अब ब्राइटनेस और तेज हो गई होगी, तो अच्छे से मैश हो गई है, मिक्स हो गई है, ऐसे लगाना पकड़ पकड़ के एक एक लादा लादा पीस को माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट आया। ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲਿੱਤਾ, ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਰੀਨੇਟ, ਅਬ ਇਸਕੋ ਹਮ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਅਬ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਾਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੂ ਨਾਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਾਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੂ, ਦੋ ਫਿਰ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰਾ ਮੁਬਾਦਲਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਤ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਵਾਂ ਕਿ ਠੰਡ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਧੁੰਦ ਹੀ ਧੁੰਦ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਝੂਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁੰਗੜ ਜਾਣਾ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਅਤੇ ਠੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਧੁੰਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਵਜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ बहुत ज्यादा थी, तो मैं इसको, ये मेरा भांजा छोटा, तो इसलिए हम छत पे आ गए दोनों, तो सबको सलाम अलैकुम करो, बोलो सलाम अलैकुम, ये सब आपको सलाम अलैकुम कर रहे हैं। चाय पीने के बाद ये मेरे पास ऊपर आ गया था, कहता कि मेरी तस्वीरें क्लिक कर दो, तो फिर मैं इसकी तस्वीरें क्लिक करने लग गया, और मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो इसके साथ भी आपको शेयर करता जाऊँ, तो और जुआन सबको पारा दो। हाँ चलो ठीक है, अब हम चल चुके हैं, तो ऐसी मछली का जो पीस है इनू है देखो फुल इन मसाला वगैरह लगा हुआ है, तो इनू आप तल देंगे, तो कुछ एहतियात करना है काम,
ताकि थोड़े हाथ वगैरह ना सड़ जान, तो उन्होंने अच्छी तरीके ना फ्राई करांगे फिर अच्छी खावांगे। मेरी भरा जी है बन के फुल तैयार हो गई, गर्मा गर्म एक पीस बस कढ़िया तुम टेस्ट चेक दसन वास्ते कि किस तरीके का जायका आ रहा। फिलहाल फुल गर्म हैगी, हाथ उत्ते मार रहा ते देखो बहुत ही मज़ेदार बनी है, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा। तो तुम भी घर थोड़ा ट्राई करना मेरी रेसिपी, बहुत मज़ा आएगा। फिलहाल तो लोग तो मैं खैर ख़त्म करना कस, लेकिन मेरे चाचे जी को कॉल आ गई करना जल्दी जल्दी मेरे वाल आ कुछ जरूरी काम में। तो इन्नी ठंड में मैं बाहर निकले हैं वहाँ कोट कूट पा के, तो वाकई इतना ठंड बहुत ज़्यादा है कि जो कुल्फी जम जानी जे सारे अपने घरों निकले जे कन्न मूल वेट के। ठीक है तो हम जाने उधर फिर दस में की बने। आने बाद चो मैं आया सपने मेरे चाचे ने फोन किया मेरे वाल आते, जो मैं आया तो इन्हें मेरे बाबा जी ले आने तो पहले पिज्ज़ा रखा सी नाल जिंगर रखा सी, तो इन्हें व्लॉग तो वैसे खत्म कर दिता सी, लेकिन मैं कहा चलो चेक कर लेता जाए। सारा कुछ गर्म गर्म ही से तो तुम भी शुरू करो कॉल, कोई गल नहीं, भला करेगा सारा कुछ।